हेलो गाइस, आज का टॉपिक है क्रैशिंग। और ऑलरेडी मैंने आपको है ना क्रैशिंग का फॉर्मूला सेंड कर दिया हूँ। वी गॉट डेल्टा सी ओवर हियर, वी गॉट डेल्टा टी। डेल्टा सी का फॉर्मूला है क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट, डेल्टा टी नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम एंड कॉस्ट स्लोप इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। डायरेक्ट कॉस्ट सम ऑफ ऑल नॉर्मल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट विच इज़ गिवन इन टू दी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, और टोटल नॉर्मल कॉस्ट इज डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सेंड कर दी ऑलरेडी, यू कैन सी इट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट अवर सम टुडे। सो वी गॉट नेटवर्क एनालिसिस क्रैशिंग। तो यहाँ पर जो अपने को एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, यू यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट डेल्टा सी डेल्टा टी कॉस स्लोप और रैंक। अब यहाँ पर मैं जितना हो सके उतना स्वीट एंड शॉर्ट एंड स्वीट में समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट अस स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी ब्लैक कलर में दिया है दैट इज़ गिवन इन योर क्वेश्चन, और जो रेड कलर में वो हमको फाइंड करना है। ओके तो पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम दी फॉलोइंग टेबल यू नीड टू कैलकुलेट दी ऑप्टिमल एंड मिनिमम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट इज गिवन एज ₹100 पर डे। ठीक है, सो पहला हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्रैश कॉस्ट और नॉर्मल कॉस्ट है। आप याद रखो कि क्वेश्चन में कैसा भी दिया हो, लेकिन आप पहला कैसा करोगे, पहला CC लिखोगे दैट इज़ क्रैश कॉस्ट, देन NC दैट इज़ नॉर्मल कॉस्ट, देन NT दैट इज़ नॉर्मल टाइम एंड देन क्रैश टाइम। ये ऑर्डर में आपको लिखना है। सबसे पहले आप डेल्टा सी निकालोगे। डेल्टा सी का फॉर्मूला है CC माइनस NC, और डेल्टा टी का फॉर्मूला है NT माइनस CT। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो वी गॉट दिस वन क्रैश कॉस्ट 450 है ना। 450 में से अगर हम 300 निकाल देंगे तो 450 माइनस 300, सो व्हाट यू विल गेट, 450 माइनस 300 यू विल गेट 150। नेक्स्ट है हमारा 75 माइनस 75 दैट विल बी ज़ीरो। 300 माइनस 200 यू गेट 100। 120 माइनस 120 अगेन यू गेट ज़ीरो। 190 माइनस 100 यू गेट 90। 130 माइनस 90 दैट विल बी 40 एंड देन 110 माइनस 60 दैट विल बी 50। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया रहेगा। उसी के बाद आपको निकालना है डेल्टा टी। अब डेल्टा टी का फॉर्मूला, डेल्टा टी का फॉर्मूला इज़ नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। तो 3 माइनस 2 1, उसके बाद 3 माइनस 3 दैट विल बी 0 सॉरी 1 0, उसके बाद 5 माइनस 3 2, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 1 3, 3 माइनस 2 1, 3 माइनस 1 2। अब उसके बाद आपको निकालना है कॉस स्लोप। कॉस स्लोप का फॉर्मूला है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा सी आपके सामने है, डेल्टा टी भी आपके सामने, दोनों को डिवाइड करो। 150 डिवाइड बाय 1 सो यू गेट 150। 0 डिवाइड बाय 0 यू गेट 0। 100 डिवाइड बाय 2 यू गेट 50। 0 डिवाइड बाय 0 यू गेट 0। 90 डिवाइड बाय 3 यू गेट 3 3 9 30। 40 डिवाइड बाय 1 यू गेट 40। 50 डिवाइड बाय 2 यू गेट 25। ठीक है, उसके बाद आपको जो है ना रैंक निकालना है। अब रैंक कैसा निकालेंगे, यहाँ पर जो है सब में जो छोटा नंबर है दैट विल बी द फर्स्ट रैंक। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सब में छोटा, ये 0 जिधर आता है उस पर डैश डाल दो, ये एप्लीकेबल नहीं है रैंक के लिए। तो सब में छोटा नंबर आई गेस इज 25, सो 25 विल बी फर्स्ट रैंक, 30 को सेकंड रैंक, 40 को थर्ड रैंक, 50 को फोर्थ रैंक एंड 150 को फिफ्थ रैंक। ओके, इन दिस वे यू विल गिव योर रैंकिंग। अगर आप इतना करते हो तो आपके जो है ना 2.5 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, आपको डिवाइड करना है और ये डेल्टा सी और डेल्टा टी में तो आपको माइनस करना है। ओके, नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अब इसका हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो अगर आप डायग्राम देखते हो, हाँ, अब यहाँ पर हम लोग सब में पहला ये भी आपको निकालना है कि डायरेक्ट कॉस्ट निकालना है और फिर जो है हमको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी निकालना है। तो उसके लिए पहला प्रोजेक्ट ड्यूरेशन चाहिए होता है। तो पहला मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। तो एज यू कैन सी इन द डायग्राम वी गॉट 1 to 2, 2 to 3। तो मैं यहाँ पर अपना डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। ये है 1 से, 1 से सिंगल जा रहा है तो 1 to 2 एंड देन वी गॉट 2 to 3 एंड देन वी गॉट 2 to 4 एंड वी गॉट 2 to 5। सो 2 to 4 ये हो गया और उसके बाद आपको आ जाएगा 2 to 5।
आप देख सकते हो आगे है 3 to 4, 4 to 6, 3 to 4 एज इट इज, और उसके बाद 4 to 6, 5 to 6, तो 4 to 6 मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ एंड देन 5 to 6 इस पे, ठीक है। और उसके बाद आपको जो है इसके नॉर्मल टाइम के वैल्यूज लिखना है, तो नॉर्मल टाइम का वैल्यू जो है वो हम लोग लिख देंगे। नॉर्मल टाइम इज दिस वन जो आपको दिया है, 3, 3, 3, 5, 4, 4, 3। सो वी विल राइट वन, हाँ पहले याद रखो ये जो इसको नाम दे देना आप, ए दिस विल बी बी, दिस विल बी सी, दिस विल बी डी, दिस विल बी ई, दिस विल बी एफ एंड दिस विल बी जी, ओके। तो इसी के साथ हम अपने डायग्राम पे भी नाम दे देंगे, तो डायग्राम में 1 to 2, 1 to 2 विल बी ए, देन 2 to 3 विल बी बी, एंड 2 to 4 विल बी सी, एंड देन 2 to 5 विल बी डी, एंड देन 3 to 4 विल बी ई, एंड देन 4 to 6 इज एफ, एंड देन 5 to 6 इज जी। अब इसके बाद जो है इसके जो वैल्यूज़ है नॉर्मल टाइम के वैल्यूज़ वो हम लोग फटाफट लिख देंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पर ए का नॉर्मल टाइम, ए का नॉर्मल टाइम कितना है, ए का नॉर्मल टाइम इज 3, तो ए पे आ जाएगा 3। बी का नॉर्मल टाइम इज अगेन 3, सो इट विल बी 3। देन सी का नॉर्मल टाइम इज 5, तो सी के जगह पे 5। देन डी का नॉर्मल टाइम इज 4, डी का 4। एंड देन ई का कितना है, ई का अगेन इट इज 4, सो ई का अगेन विल राइट 4। एंड देन एफ का है 3, एफ इज 3, एंड देन जी इज ऑल्सो 3, ठीक है। तो अब इसके बाद हमको निकालना है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, सो लेट अस सी हाउ टू फाइंड आउट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। पहले आपको देखना है कि 1 से लेकर 6 जाने तक कितने रास्ते, तो वी गॉट 1 सेकेंड, तो 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6, दूसरा जो रास्ता है 1 से लेकर 6 जाने का इज 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, एंड द लास्ट वन इज 1, 2, 5, 6, तो 1, 2, 5, 6, अभी 1, 2, 4, 6, राइट। तो 1, 2, 4, 6 का नाम क्या है वो देखेंगे, ए है 1, 2, ए, सी और एफ, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा ए सी एफ। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, तो इसका नाम है ए बी ई एफ, ए बी ई एफ, एंड द लास्ट वन 1, 2, 5 इज ए डी जी, ए डी जी। अब इसका जो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सो इफ़ यू सी द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ओवर हियर, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कैसा निकालते सबको पता है, 1, 2, 4, 6 इसके वैल्यूज़ ऐड करना है जो ग्रीन कलर में लिखे हुए, 3 + 5 = 8, 8 + 3 = 11, तो ये हो जाएगा 11। डेज में दिया है तो डेज, वीक में दिया है तो वीक लिखना है। नेक्स्ट इज 1, 2, 3, 4, 6, 1, 2, 3, 4, 6, तो यह आएगा 3 + 3 = 6 + 4 = 10, और 10 + 3 = 13, 13 days। एंड देन वी गॉट 1, 2, 5, 6, 1, 2, 5, 6, सो 3 + 4 = 7, 7 + 3 = 10, 10 days। एज यू कैन सी इन तीनों में जो हाईएस्ट है, इन तीनों में हाईएस्ट कौन है, इन तीनों में जो हाईएस्ट है वो है 13 days, सो दैट विल बी आवर क्रिटिकल पाथ, तो इसको हम लोग एक बॉक्स में पुट कर देंगे। तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 13 days, और इसको भी हम बॉक्स में पुट कर देंगे, हमारा जो एक्टिविटी वो ए बी ई एफ, ओके। नाउ इसके बाद हम निकालेंगे टोटल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट, तो एज यू कैन सी डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला है सम ऑफ ऑल नॉर्मल कॉस्ट, सम ऑफ ऑल नॉर्मल कॉस्ट। तो यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट निकालने के लिए आपको जो है ना ये दिख रहा है नॉर्मल कॉस्ट, ये नॉर्मल कॉस्ट को पूरा ऐड करना पड़ेगा, 375 इस सब को ऐड कर दो, ओके। एंड इसको ऐड करके आपको जो वैल्यू आता है वो आपको लिखना पड़ेगा, सो ऐड करके मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, मुझे पता है इसको ऐड करके आपको आएगा 945, तो डायरेक्ट कॉस्ट का वैल्यू विल बी 945, डायरेक्ट कॉस्ट का वैल्यू इज 945। उसके बाद इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट का फॉर्मूला है इनडायरेक्ट कॉस्ट गिवन इनटू
project duration. So indirect cost kitna diya tha hume? As you can see in the question, it was given as 100 per day. So yahan par indirect cost aap likhoge 100 and the project duration jo humko aaya tha was 13. So 100 into 13 you get 1300. And finally we will calculate total cost. टोटल कॉस्ट आपका हो जाएगा डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट. डायरेक्ट कॉस्ट 945 और ये 1300, दोनों को ऐड कर लो तो आपको आ जाएगा 2245 विल बी योर आंसर.